हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, तो आ गई मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो लेकर के। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं हम फ्रेंड। आज मैं ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ, आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी क्या लेकर आई हूँ। घर से है, एकदम फ्री में है, और आपके पौधों में इतने फ्लावर खिलेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो इतने ज़्यादा फ्लावरिंग खिलने वाले हैं कि पूछो ना। और फ्री का फर्टिलाइज़र आप घर में खुद बना करके तैयार कर सकते हैं, जो नर्सरी वाले खुद अपने प्लांटों में डालते हैं। और हमेशा आप देखते हैं नर्सरी में, हमेशा जब भी प्लांट लेने जाओगे तो हमेशा फ्लावर खिला ही रहता है नर्सरी में। आप चाहे जब जाओ, हमेशा ही फ्लावर खिला रहता है। तो इसी तरह का कुछ मैं भी लेकर आई हूँ अपने प्लांटों में डालने के लिए। तो आप भी वीडियो को देखिएगा और आप भी अपने प्लांटों में ज़रूर डालिएगा। देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और कितनी सारी इसमें से वर्ड्स लग चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ और यहाँ, देखिए जितना, मतलब ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है लेकिन इसमें बट्स इतनी सारी लगी हैं कि पूछो ना। तो चलिए मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र के बारे में बता देती हूँ, बिल्कुल फ्री से, घर से है। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आज मैं अपने किचन से ही काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसे देखिए, सर्दियाँ लग चुकी हैं तो हमारे प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ के गिर रही हैं। वो तो बेसिक है, प्राकृतिक है, वो तो पत्तियाँ पीली पड़ के गिरना ही गिरना है। कोई कोई से प्लांट होते हैं देखिए जो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो जो जा रहे वो तो जाएंगे ही, क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो प्लांट कहते हैं सो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे वो प्लांट के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे जो डॉर्मेंसी पीरियड का, अलग से मैं वीडियो आप लोगों को बता के बताऊंगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ जो प्लांटों की पत्तियाँ पीली पड़ के गिर रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट एकदम से स्वस्थ नहीं है, एकदम से सूखा सूखा सा लग रहा है, मुरझाया, जैसे मन मारे उसको बोलते अजय, ऐसा नहीं लग रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और हमारे बच्चे हैं उनको भी हम ताकत की ही चीज़ें देते हैं, विटामिन के खिलाते हैं ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। इसी तरह हमारे अपने प्लांटों के लिए भी देखभाल और केयर करनी है, क्योंकि ये भी एक बच्चे की तरह होते हैं, क्योंकि ये गमले में लगे हैं और सीमित है। ये ज़मीन में होते हैं तो इनकी जड़ें फैल जाती हैं, लेकिन ये गमले में है तो सीमित है, इनकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं। तो इसी से रिलेटेड आज वीडियो लाई हूँ कि सर्दियों में आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ना ही आपके प्लांट ख़राब होंगे, हमेशा फ्लावरिंग करेंगे, फ्लावर ही फ्लावर लगे रहेंगे। अगर फल वाले होंगे तो फल लगेंगे, फ्लावरिंग होंगे तो फ्लावरिंग करेंगे। हर तरह के प्लांट में आप डाल सकते हैं, 100 प्लांट होंगे जैसे, ऐसे प्लांट होंगे तो ये हमेशा हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आप लोग पहले देखिए, ये इसमें मैंने भिगो के रखा है आलू। ये आलू है, मेरे किचन से निकली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये आलू हैं। तो आप लोग जानते हैं आलू में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, इतना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है कि पूछो ना, सबसे ज़्यादा। देखिए इसका एकदम से कारण मैंने कल रात में ही भिगो दिया था और ये रेड रेड, ये मतलब आलू का जो भी निकलता है, कहते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन होती है आलू के छिलके में। कोई भी सब्जी हो उसके छिलके में ही विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये देखिए आलू के छिलके मैंने इसमें भिगो दिए थे, और ये बैंगन है कुछ और टमाटर, जो भी मतलब किचन से निकलता है सब मैं पानी में डाल देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा आलू में पोटेशियम पाया जाता है फ्रेंड। और इसमें मैंने भिगो के रखा है प्याज, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से ये मेरा डिब्बा है, इसमें से ढक्कन मैंने बंद करके रखा हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ। तो प्याज में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा फ्रेंड पाया जाता है। तो ये हमारी प्याज है, ये नाइट्रोजन से भरपूर है। तो आप लोग अपने प्लांटों में दे सकते हैं इसको, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे जैसे मिट्टी में कोई भी फंगीसाइड लगा हो ना, इस प्याज के डालने से हमारे जो प्लांट होता है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, सर्वाइव करता है। इसी तरह ये आलू भी। और फ्रेंड इसमें मैंने कुछ भिगो के रखे हैं, ये छिलके हैं लहसुन के, ये लहसुन के छिलके हैं, और जो लहसुन के कुछ दाने जो ख़राब हो कुछ थे उनको मैंने इसमें से डाल दिया फ्रेंड। तो लहसुन में फास्फोरस और कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड, और ताकि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, हमारे प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग, हर चीज़ में कामयाब है। तो ये सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र आज मैं लेकर आई हूँ अपने प्लांटों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये छिलके आप भी ना फेंकिए, अपने प्लांटों में ज़रूर इस्तेमाल करिए। लहसुन जैसे पत्तों का पीलापन, जो पत्ते पीले हो रहे हैं उनको हटाता है, कि हमारा पौधा भी स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है। ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित है फ्रेंड, और हमारा प्लांट एकदम से भरपूर मात्रा जब ये सारी चीज़ों की मिलती है तो हमारा प्लांट हेल्दी एकदम से रहता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है, ग्रोथ भी करता है। और जैसे खीरा हो गया फ्रेंड, तो खीरा के छिलके में यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड। आप लोगों को बता दूँ, यूमिक एसिड मैंने यहाँ पर भिगोए भी थे इसमें से, शायद अलग से कटोरी मेरी रह गई। और फिर आप लोगों को बता दूं मैं,
तो इस बाल्टी मैंने लिया एक बाल्टी पानी फ्रेंड। तो आप ये है फिटकरी देख सकते हैं, ये फिटकरी है। तो फिटकरी का एक टुकड़ा ले करके और आपको इस बाल्टी के पानी में डाल देना है, देख सकते हैं आप। और ये मेरी रही हल्दी, हल्दी को भी डाल देना है। हल्दी जो भी मतलब ये हमारा फर्टिलाइजर बनके तैयार हुआ है। और ये हल्दी को हम पानी में डाल देंगे एक चम्मच, चम्मच तो नहीं है, मैं हाथ से ही डाल दूँगी चम्मच के अनुसार, कि जो भी हमारे मतलब प्लांटों में फंगीसाइड कुछ भी मिट्टी में है तो ये हल्दी एंटोबायोटिक का काम करती है। तो इसको हल्दी को हम अपने इस बाल्टी के पानी में देख सकते हैं, मैंने इस तरह से डाल दिया है। तो हल्दी को आप उपयोग में ज़रूर लाएँ, हल्दी फिटकरी ये सब हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा फ्रेंड। फ्रेंड मेरी चाय पत्ती और ये बनी हुई चाय पत्ती है, देख सकते हैं आप। तो आप लोग ये चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय डेली सबके घर में बनती है, तो आप लोग चाय को निकालते जाइए और फ्रेश चाय को मतलब जो बनी हुई चाय है उसको आप सुखा करके आप उसे मिट्टी में मिला करके आप प्लांट भी लगा सकते हैं, गुड़ाई करके डाल भी सकते हैं। तो देखिए मेरे चाय का कितना अक्स निकला हुआ है, तो ये चाय। अब मैं इन सारी चीज़ों को छान लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को छान लेना है, ये देखिए। अब जिस तरह से आप लोगों का मन करे उस तरह से आप डाल भी सकते हैं इन सारी चीज़ों को, देखें कितने अच्छे से ये लहसुन का निकला हुआ है अक्स। तो आप लोगों को इस तरह से छान करके और इस पानी में मिला लेना है, देखिए मैंने इसको छान लिया है, लहसुन का है, आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ, और ये इस पानी में मिला दिया है। या तो आप डायरेक्ट सब डाल सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पानी से। तो अब ये मेरी लहसुन का हो गया, अब मैं ये प्याज का निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं ये प्याज का, देख सकते हैं आप कितना एकदम से एलोल जैसे निकला है। तो ये प्याज का भी मैं इसी में डाल दूँगी, एक एक गिलास सारी चीज़ें का, और ये जो सभी छिलकों का। तो फ्रेंड इस तरह से आप घर में सारे छिलकों का फर्टिलाइजर बना करके आप अपने प्लांटों में डाल सकते हैं, देख लीजिए। ये आलू का कितना अच्छा ये बन करके तैयार हुआ फ्रेंड, कल रात में भिगोया था मैंने, आप भी इस तरह रात में भिगो दें और देख सकते हैं आप। और इसको भी मैंने इसमें ही डाल दिया है, अब मैं इसको भी डाल लूँगी ये चाय पत्ती का, सभी को मिला दूँगी। ये रहा चाय पत्ती का, एक ही जैसे सब निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी अंतर लग रहा है। तो ये चाय पत्ती का हो गया, अभी इस चाय पत्ती को भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सभी को मैंने इसमें से डाल दिया है और हल्दी और फिटकरी मैंने मिला ही दिया है। बस बस आप लोगों को अपने प्लांटों में अप्लाई कर देना है, फ्लावरिंग प्लांट, सो प्लांट, हर तरह के पौधों में आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डाल के भी दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं कि आप बोलें कि बनाए हैं दिखाया नहीं डाल के, तो मैं आप लोगों को डाल के भी दिखा सकती हूँ। तो ये मैंने ले लिया, मैं पहले अपने मूली से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि मेरी मूली यहाँ पे लगी हुई है, तो इसमें भी डाल दे रही हूँ क्योंकि इसको भी पानी की ज़रूरत है। तो ये मैंने अपने मूली के पौधे में डाल दिया है ना, एक गुहारे निकला जा रहा। और फ्रेंड मैं एक बात आप लोगों को और बता देती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, ना तो मोबाइल पकड़ने वाला, ना तो मेरे पास कैमरा है, तो मुझे स्वयं ही ले करके बनाना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी फुल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कि मैं भी आ जाऊँ, इस तरह से मुझे पकड़ के ही बनाना पड़ता है। तो आप लोग माफ़ करिएगा और वीडियो ज़रूर देखा करिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी तरह के पौधों में इसको डाल दूँगी, आप लोग देखते जाइए। ये देखिए फ्लावरिंग प्लांट है मेरा, ये कड़ैल का इसमें डाला हुआ है, और गुड़हल में भी डालूँगी, सभी तरह के पौधों में डालूँगी, मैं आप लोगों को डाल के दिखा दे रही हूँ। ये देख लीजिए इस तरह से मैं डाल देती हूँ, और ये फ्लावरिंग प्लांट में भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। आप सभी पौधों में डाल सकते हैं फ्रेंड। तो मेरा फर्टिलाइजर आप लोगों को कैसा लगा, फ्री का और किचन से ही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और वीडियो पूरी देखा करिए, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू।